आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैशलेस मास्टर में मैं हूँ शुभम। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर जिस दुकान पर ऑनबोर्डिंग कर देते हैं पेटीएम का, उसके बाद आपको वहाँ पर क्या फ़र्ज़ रहता है, आपको क्या कस्टमर को आपको ट्रेनिंग देना है और अकाउंट कैसे लॉग इन करना है सामने वाले का। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ऐसी मोटिवेशन मिलती रहेगी तो वीडियो बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू भाई जिन्होंने कमेंट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। तो अभी आज भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक भाई के कमेंट करने पर, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब आपका पीएसए ऐप में आते हैं, आपका पीएसए ऐप में ऑनबोर्डिंग अगर जब सक्सेस बताने लगता है, देन आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सबमिटेड में आ जाता है। उसके बाद आपका जो फर्ज होता है, पहला काम तो सबसे पहले आपको पेटीएम फॉर बिजनेस लॉगिन कराना रहता है। तो ये ऐप आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पेटीएम फॉर बिजनेस, इसको डाउनलोड कराना रहता है आपको। सबसे पहले तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा हो, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए वेलकम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, लॉगिन सिक्योरली वी या पेटीएम, लॉगिन वी या मोबाइल नंबर। तो आपको फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन करना रहेगा, मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डालना रहेगा। तो आपको पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना रहेगा, वेरीफाइंग डिटेल्स बोलेगा, ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल देना रहेगा। आपको है ना कस्टमर को बताना है, यहाँ पे देखिए ऐसे थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद बताना है उसका दुकान का नाम, तो दुकान का नाम जो भी नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमूल डेयरी पार्लर, तो ये नाम यहाँ पे बता देगा आपको। देन आपको नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है सर्विस एजेंट भी बताएगा। सर्विस एजेंट पर आप जाकर के वहाँ से आप उनको बता सकते हैं कि आप क्यूआर कोड वगैरह अगर खरीदना चाहते हैं एक्सटर्नल, तो वो भी खरीद सकते हैं आप कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक करके। अगर आप मान लीजिए आपको क्यूआर कोड के ऊपर उसका दुकानदार का क्यूआर कोड देखना चाहते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको उनका अच्छा खासा प्रिंटेड ऑल इन वन क्यूआर कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा ट्रेनिंग वहाँ पे ये देना है आपको कि सेटलमेंट से बताना है कि आप इंस्टेंट सेटलमेंट भी यहाँ से कर सकते हो, मिनिमम जबकि आपके पास 50 रुपये हो तब, मैक्सिमम आप 2 लाख रुपये पर ट्रांजेक्शन आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक में डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड। बाकी दूसरा एक और सेटिंग आपको करके देना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है थ्री डॉट पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद उसके बाद डायरेक्टली आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन या पासकोड मांगेगा तो दे देना है आपको। बट यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आऊँगा थोड़ा सा मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वंस अ डे, ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे। तो इस बात की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको वंस अ डे अगर कस्टमर को एक ही बार सेटलमेंट करना है बैंक में, मतलब पूरे 24 घंटे में, तो वंस अ डे करिए, ट्वाइस अ डे, फिर उसके बाद थ्राइस अ डे। तो ऐसे आपको कस्टमर को पूछ लेना है, वो सारा चीज़ बताएगा, उस हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना रहेगा। अब आपका जो है सेटलमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं इधर आप एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, तो मोर में आप जाएंगे तो यहाँ पे है ना उसको एक चीज़ और बताना कि आप अगर अच्छा ट्रांजेक्शन लेते हैं तो आप लोन वोन भी आपको कंपनी ऑफर करेगी, तो उस पर आपको नोटिफाई मी पे क्लिक करने कर देना रहेगा। जैसे कि मुझे 10,000 का लोन पहले ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, वो अपना फ्री क्रेडिट स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकता है बंदा अगर चेक करना चाहे तो। जैसे कि मेरा देख सकते हैं यहाँ पे इनकी तरफ से ये बताया गया है, और मुझे जो है स्टे ट्यून फॉर ये बोला जा रहा है यहाँ पे, पेटीएम फर्स्ट पेटीएम पर्सनल लोन भी अभी अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी, पेटीएम देगी। तो आपको पेटीएम के साथ बॉन्डिंग अच्छा बना के रखना है, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करनी है। आप उसके अलावा आप यहाँ पे चाहे तो अपना जो है रिकॉर्ड उधार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं उनको, किन से कितना मतलब कस्टमर की सारी एंट्री कर सकते हैं, खाता की एंट्री कर सकते हैं, कितना सामान बेचा, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर एक एक डेट में अपनी न्यू एंट्री भी क्लियर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर उसके लिए कोई ऑफर चल रही है तो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं, आपको ऑफर का एक्टिवेट करना रहेगा, बाकी सब वो अर्निंग कर सकता है बंदा सामने वाला। बाकी उसको एक चीज़ और सिखाना है आपको, कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल 33% कंप्लीट ही रहने देना है, बिकॉज आगे करेंगे तो उनको चार्जेस भरने पड़ सकते हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो आपको यहाँ से बता देना रहेगा कि सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा बीच में मैसेज एसएमएस आ गया। तो आपको यहाँ पे आपको बैंक सेटिंग्स सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बैंक का नाम दिख जाएगा आपके, तो बैंक का सेटिंग यहाँ पे अपने को चेंज कर देना रहेगा। अभी जो है यहाँ पर थोड़ा एरर चल रहा है, कभी कभी आता रहता है, बट वहाँ पर चेंज का ऑप्शन आएगा आपको जरूर। अब जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए कंपनी ऐसा बोलती है, तो ये भी आप देख सकते हैं टेक अ टूर ऑफ द ऐप, तो ये यहाँ से पूरा पूरा ये सब चीज़ें कंपनी मतलब सिखाएगी अच्छे से यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, एक और सेटिंग आप साउंड बॉक्स सेटिंग का भी यहाँ पे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बोलेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर अब यहाँ पर प्राप्त हुए ऐसा बोलता रहता है बीच में, सॉरी फ्रेंड मैं बीच में रुक गया। यहाँ से अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकता है, सेकेंडरी दूसरा ईमेल ऐड कर सकता है यहाँ पे। तो ये सब कुछ चीज़ें जो थी मैंने यहाँ पे बता दी आपको, कुछ नोटिफिकेशन होगा कंपनी की तरफ से तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। बाकी बंदा चाहे तो हेल्प एंड सपोर्ट भी कर सकता है, ऐसे ट्रेनिंग भी ले सकता है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई पूछ ले ऑडिटर वगैरह तो आप बता सकते हैं, खुद का शॉप को प्रमोट भी कर सकता है। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके अपना थोड़ा राय विचार दीजिए कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है, एंड कुछ कमी रह गई तो आप मुझे यहाँ पर वो भी बता सकते हैं। आप देख सकते हैं गेट ऑल इन वन क्यूआर कोड बोलता है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, जाऊँगा येस और नो करूँगा लेटर पर। तो इसको मैंने मान लीजिए 100% मैंने अपना बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया। पहले यहाँ पे आता था कि आपको जो है अपग्रेड करने को कहा जाए, अपग्रेड नहीं करना है हमें, बस ये कर लेना है 100% अपने कंप्लीट है प्रोफाइल सेटअप।
बाकी यही चीज़ था आई होप आई इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, तब तक ले जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय।